हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने अपने लास्ट सेशंस में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम इस चैप्टर की कुछ एक्टिविटीज़ या एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये जो एक्टिविटीज़ है, एक्सपेरिमेंट है, ये आप अपने स्कूल लैब में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम सेल और न्यूक्लियस की जो प्रेजेंस है ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, उसको हम अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ। दूसरा, हम ये भी समझ पाएँ कि जो प्लांट सेल हैं और एनिमल सेल हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि नहीं होता। ये हम अपनी कुछ एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट। सो लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन ब्लब। ये आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें मैंने अनियन को दिखाया हुआ है। अनियन आप सबने अपने घरों में देखा होगा। तो अनियन, प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन फ्रॉम द इनर साइड ऑफ अनियन। अब क्या करेंगे, हम एक अनियन का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, जिस तरह आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। अनियन के टुकड़े की इनर साइड, मतलब अंदर की तरफ की जो स्किन है, जिसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। स्किन की जो अपर लेयर होती है, उसको क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस को या स्किन को एक फोर्स है, एक चिमटी की सहायता से हम उसको निकाल लेंगे। देन दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। अब आपको इमेज में एक वॉच ग्लास दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर हम पानी डालेंगे और जो हमने प्याज की पील या प्याज की जो झिल्ली निकाली है, उसको हम इमीडिएटली इसके अंदर डाल देंगे। अब इमीडिएटली वाटर के अंदर क्यों डालेंगे, विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड एंड गेटिंग ड्राई। इमीडिएटली हम पील को पानी के अंदर इसलिए डालेंगे ताकि वो पील को फोल्ड ना होने दे और सूखने ना दे, उसको मुड़ने और सूखने से बचाए रखें। आफ्टर दैट लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास स्लाइड लेंगे। देखिए, जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, ये ग्लास स्लाइड है, जिसको हम कांच की स्लाइड भी बोलते हैं। ये सारे टूल्स आपको आपकी लैब में मिलेंगे। तो एक स्लाइड लेंगे और उसके ऊपर कुछ बूंदे हमने पानी की डाल दी, कुछ बूंदे पानी की डालेंगे। एंड ट्रांसफ़र अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा जो हमने पील का निकाला था, वो इसके ऊपर फैलाएंगे। अब वो किस कैसे फैलाएंगे, मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड विद द हेल्प ऑफ अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश। अब ये जो आपको इमेज में ये ब्रश दिख रही है, इसकी और निडल की हेल्प से हम वो जो पील है उसको अच्छे से फैलाएंगे, ताकि वो कहीं से ख़राब ना हो, परफेक्टली उसको अच्छे से स्लाइड के ऊपर फैला देंगे। Now we put a drop of saffronin solution on this piece followed by a cover slip. अब देखो, अब ये जो हमने स्लाइड के ऊपर झिल्ली ली है, अनियन पील लिया है, इसके ऊपर हम सेफ्रेनिन की कुछ बूंदे डालेंगे। अब सेफ्रेनिन क्या होता है, देखिए, ये एक डाई होती है। अब डाई क्यों डालेंगे, क्योंकि देखिए, हमने क्या देखा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। अब देखिए, जो सेल है वो कितना छोटा होता है, सबसे छोटी इकाई है, वो बहुत छोटा होता है। ऊपर से हमें उस सेल के अंदर के ऑर्गेनली देखने हैं, अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टडी करनी है, तो वो सेल से भी बहुत छोटे हैं। और ऊपर से वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, तो हम उनको अच्छे से नहीं देख पाते। तो जो सेफ्रेनिन होती है या डाई होती है, हम बेसिकली हम तीन तरह की डाइज देखते हैं, सेफ्रेनिन, मिथाइलिन ब्लू, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। अब जब हम ये डाई है, सेफ्रेनिन की कुछ बूंदे हैं जो कि पिंक या पर्पल कलर की दिखती हैं, वो सेल के ऊपर डालेंगे, तो जब हम उसको एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो सेल हमें कलरफुल दिखेगी और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें अच्छे से क्लियरली विजिबल हो पाएंगे, उनका कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा और वो हमें अच्छे से दिख पाएंगे। इसलिए हम डाइज का यूज़ करते हैं। तो सेफ्रेनिन की कुछ बूंदे डालने के बाद हम उसको कवर स्लिप से ढक देंगे। कवर स्लिप, जो आपको ये कांच का एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, ये क्या है, कवर स्लिप है। इससे हम उस स्लाइड के अंदर का जो मटेरियल है उसको ढक देंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। देखिए अब जब हम उस कवर स्लिप को उसके ऊपर रखेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्लाइड है उसके अंदर किसी तरह के कोई एयर बबल ना आ जाए। एंड टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील इज रेडी। तो क्या होगा कि जो अनियन पील है उसकी स्लाइड तैयार हो जाएगी। तो अब हम उस अनियन स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे। ये और माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह का दिखता है जो आपकी स्कूल लैब में अवेलेबल होगा। तो जब हमने अनियन पील की स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंडर रखा तो हमें सेल्स ऑफ एन अनियन पील ऐसे देखने को मिली। अब ये जो डायग्राम है आप इसमें क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारे पास एक दो तीन ये हमारे पास क्या है अनियन सेल हैं। अब देखिए इन सेल्स के अंदर ये जो मैंने आउटलाइन की है ये क्या है सेल वॉल है। दूसरा इसके अंदर ये जो बॉल एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है न्यूक्लियस है। और जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सपेंड करके देखें तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये एक अनियन सेल है जिसके अंदर ये बॉल जैसा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है न्यूक्लियस है। और जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है सेल मेम्ब्रेन है। और आउटर मेम्ब्रेन क्या है सेल वॉल है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट साइज की अनियन लेते हैं और उनका उनके पील का स्लाइड बनाते हैं और जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखकर देखते हैं तो क्या उनकी जो सेल है उनके स्ट्रक्चर सेम होंगे। तो इसका आंसर होगा जी हाँ उनके स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम। चाहे हम किसी भी साइज के अनियन ले लें उनके अंदर उनके स्ट्रक्चर और उनके जो कंपोनेंट होते हैं सेल के वो सब एक जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी सेकेंड, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे एक कांच की स्लाइड लेंगे और उसके ऊपर कुछ बूंदे पानी की डालेंगे। देन यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रेप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक। तो अब हम अपने चीक के अंदर एक आइसक्रीम स्पून से थोड़ा सा स्क्रेप करेंगे। सम मटेरियल गेट स्टक ऑन स्पून। अब स्पून के ऊपर कुछ मटेरियल चिपका हुआ आएगा। अब हमें क्या करना है विद द हेल्प ऑफ ए नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड कैप्ड रेडी फॉर दिस। अब हमें एक नीडल की सहायता से वो जो हमारे पास थोड़ा बहुत स्पून के चिपक के मटेरियल आया है उसको हम स्लाइड के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। Then to color the material, we can put a drop of methylene blue solution on it. अब उसको कलर देने के लिए हम उसमें क्या डालेंगे डाई डालेंगे क्योंकि डाई का क्या काम होता है कलर देने का काम होता है ताकि वो हमें अच्छे से सेल का स्ट्रक्चर विजिबल हो सके। इसलिए हम कौन सी डाई डालेंगे मिथाइलिन ब्लू की डाई डालेंगे। देन पुट अ कवर स्लिप ऑन इट और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देंगे तो हमारी स्लाइड तैयार हो जाएगी। और जब हम उस स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमें क्या नज़र आता है हमें कुछ चिक सेल्स की ऐसी सेल्स दिखाई देंगी। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जो ये सेल्स हैं ब्लू कलर की इनके अंदर जो डार्क ब्लू कलर का एरिया है उसको क्या कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। और जो ये आउटर लेयर आपको दिख रही है ये क्या है सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो भरा हुआ लिक्विड दिख रहा है इसको क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ करके हमें क्या समझ में आया अनियन पील वाली एक्टिविटी में हमें ये समझ में आया कि जो अनियन होता है वो क्या होती है एक प्लांट सेल होती है। और उसके अंदर हमने सेल वॉल को भी देखा सेल मेम्ब्रेन को भी देखा साइटोप्लाज्म देखा न्यूक्लियस देखा वैक्यूल्स देखे। तो हमें अच्छे से क्या समझ आया कि प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और अदर सेल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जब हमने चिक सेल वाला ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये एक्टिविटी करी तो हमें ये समझ में आया कि जो एनिमल सेल्स होती हैं अब जो चिक सेल्स हैं वो हमें अच्छे से पता है कि वो एनिमल सेल हैं वो हमारी सेल ली है हमने तो हम एक एनिमल हैं। तो उसमें हमने क्या देखा साइटोप्लाज्म देखा न्यूक्लियस देखा सेल मेम्ब्रेन देखी लेकिन हमने सेल वॉल नहीं देखा। इससे ये क्लियरली समझ में हमें आता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती जो प्लांट होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सो आज के सेशन में इतना ही। अगर आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।